फ्रेंड्स, ये जगह देख के आप लोग को कुछ याद आ रहा है? देखिए, ध्यान से देखिए, हो सकता है शायद कुछ याद आ जाए आप लोग को। कुछ लोग समझ गए हैं ना, तो वीडियो को देखते रहिए, पूरा समझाता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, अभी जो बड़ा बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये राउरकेला शहर का 5 बड़ा बड़ा हॉल में से एक हॉल है। दीपक, उमा, कोणार्क और भी दो था, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। हॉल बोलने की जगह बार बार मॉल आ जा रहा है मुँह में। तो ये जो हॉल है, राउरकेला का सबसे पुराना हॉल में से एक है, जो है कोणार्क हॉल। उमा वैसे ही बंद पड़ा हुआ है कोरोना की वजह से, कब खुलेगा कैसे खुलेगा पता नहीं। चलिए, ये जो हॉल का बारे में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पहले कोणार्क का नाम से था, अभी किस नाम से खुलेगा? बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के रखा हुआ, जैसा आप लोग देखे अभी दो क्लिप पहले। तो कब खुलेगा, किस नाम से खुलेगा, क्या टिकट रहेगा, टोटल चीज़ आप लोग को बताता हूँ। जो लोग राउरकेला से हैं वो लोग के लिए बहुत अच्छा जानकारी है, और जो लोग पिक्चर वगैरह देखते हैं वो लोग के लिए बहुत अच्छा जानकारी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा। अगर आप लोग मॉल हॉल वॉल जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस, वेट एंड वॉच। चलिए हॉल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख सकते हैं, हॉल का जो है पूरा काम ख़त्म हो चुका है, A to Z काम। लेकिन कुछ पर्सनल इशू का वजह से अभी तक हॉल को रीओपन नहीं किया गया है। और अगर रीओपन होगा तो सेम नाम से होगा जो कि पहले था, यानी कि कोणार्क हॉल। देखिए, ये जो दिख रहा है रास्ता अंदर जाने के लिए, यहाँ पहले दुकान वगैरह था, यही सामने पहले एक गेट था। गेट के अंदर आप साइकिल गाड़ी एंटर नहीं कर सकते थे, उसको बाहर ही रखना पड़ता था। देखने से बस पुराना याद आ रहा है। ये मॉल का राइट साइड का, सॉरी, हॉल का राइट साइड का हिस्सा है। यहाँ पहले छोटा छोटा पॉपकॉर्न का दुकान, समोसा, बड़ा, इडली, ये सब का दुकान लगता था, जैसा कि नॉर्मली हॉल में लगता है। देखिए, 100% काम यहाँ का ख़त्म हो चुका है, ऐसा पूछने से यहाँ पता चला। लेकिन कब खुलेगा, कब रीओपन होगा ये हॉल, ये बताना थोड़ा मुश्किल है यहाँ के लोग के लिए। गाइस, जब मैं कुछ साल पहले आया था यहाँ, यानी कि 2016 में लास्ट पिक्चर मेरा था MS धोनी, जब वो आया था देखने के लिए, तो ये जो जगह खाली खाली दिख रहा है, यहाँ पानी का नल हुआ करता था 2-3 जगह में। लेकिन अभी देखिए, सब कुछ रिपेयर करके सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है, वैसा कुछ भी नहीं है। दूसरा डिज़ाइन का बनेगा, हो सकता है पहले से और अच्छा बने। हॉल के जस्ट बाहर में ये सब दुकान वगैरह है, ये बहुत साल से है, बहुत पहले से है ये सब दुकान। ये बाहर निकलने का जगह और अंदर आने का भी यही जगह है। देखिए, अंदर में एक स्टिकर हाउस है। पहले के टाइम इस साइड से एंट्री था, ये जो भाई साहब जो बैठे हुए हैं, इस साइड से एंट्री था। और ये बीच में ही फिल्म लगता था, बीच यानी कि बीच में पिक्चर का जो पर्दा है वो लगता है। और इस साइड से वो जो कोना में आप लोग जो गेट देख रहे हैं, वो कोना में वहाँ से एग्ज़िट था। अभी जब खुल जाएगा तब देखिए कैसा क्या सिस्टम रहता है, कब खुलेगा किसी को नहीं पता। कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इस हॉल का, इसी के लिए बंद है, लेकिन कंप्लीट हो चुका है 100%। फ्रेंड्स, जब ये फ़ोटो नया नया लगा था, तब अमिताभ बच्चन जी पूरा फुल कलरफुल फॉर्म में थे। लेकिन अभी देखिए, धूप लग लग के इनका चेहरा का जो कलर है, ड्रेस का जो कलर है, वो कलर उड़ चुका है पूरा। करीब 2 या 3 साल से ज़्यादा हो गया ये बंद है। गाइस, आशा करता हूँ आज का दिखाया गया ब्लॉग से आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ जानकारी तो ज़रूर मिला होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ कुछ ही दिन बाद एक और नया प्लेस, एक और नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा।
बाय बाय।